हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, और आज मैं बहुत बड़ा कोलैब करने वाली हूँ अपनी एक दोस्त के साथ। तो विदेशी इंडियन करके चैनल है कावेरी, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसके साथ मैं कोलैब कर रही हूँ। वो बहुत अच्छा कर रही है यूट्यूब पे, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ कोलैब करूँ। और आज मैं बहुत ही चिट चैट करने वाला वीडियो बनाने वाली हूँ इसमें। सो आप लोग तैयार हो जाओ और मैं उसे वेलकम करती हूँ। हम लोग इंडियन गर्ल्स हैं, और इंडियन गर्ल्स इन यूरोप और इन जर्मनी में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम। और मैं अपनी बहुत अच्छी दोस्त, और मैं इसके वीडियोस देखती हूँ तो मुझे लगता है वाओ यार, ये कितनी हेल्प कर रही है लोगों की। तो मैं उसको अपने जो चैनल है उस पर बुलाती हूँ, और देखते हैं हम लोग बहुत ही ज़्यादा लाइफ इन जर्मनी का एक वीडियो बनाने वाले हैं, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो अगर आप सोचते हो कि जर्मनी में सब कुछ बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना, क्योंकि हम लड़कियाँ जो स्पाउस वीज़ा पे यहाँ पर आई हैं, और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वर्सेस रियलिटी कैसी है, वो हमारी ही जुबानी सुनो, लाइक इसकी और मेरी। वेलकम कावेरी विदेशी इंडियंस। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, तो इसका चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी अभी जाके, और फिर हमारी बात स्टार्ट करते हैं। कावेरी बताओ यार, ये वीडियो हम बहुत ही चिट चैट वाला रखने वाले हैं, और जो है वो है, कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशंस किसी को नहीं देने वाले। बिल्कुल, थैंक यू सुरभि अपने चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। मैंने तो तुम्हारा चैनल तब से देखना स्टार्ट किया था जब आई वॉज नॉट अ यूट्यूबर, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और हाँ, राइट, सच में एक्सपेक्टेशन जो हमारी इंडिया से होती है और फिर जो रियलिटी होती है, उसमें थोड़ा गैप तो होता ही है, तो हमको बहुत मजा आने वाला है इस चीज को डिस्कस करके। तो चलो, तुम्हें जो जो पूछना हो मैं तो ऑल सेट हूँ, तुम पूछो। तो मैं कावेरी से कुछ क्वेश्चंस करूंगी जो मुझे लगता है कि मुझे इससे पूछना चाहिए। ऑब्वियसली मैंने बहुत बार बहुत सारी चीज़ें बताई है, पर कावेरी खुद इतना अच्छा कर रही है यूट्यूब पे, और इसका लगता है मुझे कि यार ये बातें करने में बहुत तेज है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो यार इसी से पूछते हैं कि भाई ये क्या सोचती थी जर्मनी के बारे में और कैसा है जर्मनी। तो कावेरी, सबसे पहले तो ये कोलैबोरेशन के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आई हो मेरे चैनल पे और हम लोग कुछ अच्छा वाला वीडियो बना रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करती हूँ, मैं पहला क्वेश्चन पूछती हूँ। okay, तो ये बताओ कावेरी, जब तुम्हारा वीज़ा आया, पहला वीज़ा आया, जैसे ही वीज़ा का तुम्हें फ़ोन आया होगा या ईमेल आया होगा कि हाँ यू गॉट द वीज़ा, तो तुम्हें कैसा लगा? क्या लगा तुम्हें कि जर्मनी जाके मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, क्या लगा तुम्हें? यार मैं सच बताऊँ तो जब मेरा वीज़ा आया ना, तो पहले मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। लिटरली मुझे लगा कि ये तो पहले तो एक मैंने जंग जीत ली है, और मैंने ऑब्वियसली जर्मनी आने के लिए मैंने अपनी जॉब क्विट की यहाँ पे। तो पर मैं सच बताऊँ, मुझे 1% का भी दुख नहीं हुआ जर्मनी में जॉब, यहाँ इंडिया से जॉब क्विट करने के लिए, बिकॉज आई वॉज लाइक, जो जैसे बोलते हैं ना कि अर्जुन जो होता है उसको सिर्फ मछली की आँख दिखती है, तो मुझे सिर्फ जर्मनी दिख रहा था। ठीक है, मुझे सिर्फ जर्मनी दिख रहा था, बाकी मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। आई वॉज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड थी। थोड़ा सा बैक एंड में था कि वहां जाके फिर मैं जॉबलेस हूँ, मैं क्या करूंगी, एक था तो, पर मुझे लग रहा था यार जो होगा देखा जाएगा, लाइफ हैज ब्रॉट दिस टू मी एंड लेट मी गो फॉर इट, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप यूरोप नहीं आए होते हो तो यू हैव लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट कि कैसे आपको करना है या फिर बहुत मजा आएगा, तो वो सब चीजें थी। थोड़ा बहुत बैक एंड में डर था, तो बस वैसे ही था, बट मैं सच बोलूं मैंने बहुत ही हैप्पीली इस चीज को एक्सेप्ट किया एंड नाउ आई एम हैप्पी अबाउट माय डिसीजन। वीज़ा जब आता है तो सबको बहुत खुशी होती है, मुझे भी बहुत खुशी हुई थी। जैसा इसकी स्टोरी है, सेम मेरी स्टोरी थी कि मैं अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पर आई थी, पर मुझे ऐसा लगता था यार जॉब मिलना कौन सा बड़ी बात है, मिल जाएगी। पर वीज़ा आने के बाद की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ठीक है, वीज़ा पे तो ये खुश हो गई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इससे पूछती हूँ, देखते हैं क्या है। अच्छा ये बताओ, तुमने लोगों के बारे में क्या सोचा था, लोग कैसे होंगे यहाँ पर, क्या लोग इंडिया जैसे ही होंगे, सोशल होंगे बहुत, तुमसे बोलेंगे अरे आज हमारे यहाँ चाय पीने आ जाओ, कल हमारे यहाँ खाना खाने आ जाओ, ऐसा कुछ था क्या जैसे ही तुम यहाँ पहुंची? यार मैं सच बोलूँ तो मैं बहुत बहुत ही जेन्युइन आंसर देना चाहती हूँ। जैसे हम इंडिया में रहते हैं राइट, तो मैं जैसे कॉर्पोरेट एनवायरमेंट में मैंने काम किया है, तो अपने दिमाग में एक चीज हो जाती है जो मेरे दिमाग में था, ऑब्वियसली आई डोंट नो बाकी इंडियंस के दिमाग में है कि नहीं, कि ये लोग थोड़े मतलब मे बी सुपीरियर हैं या बेटर हैं या कुछ, ये चीजें तो मेरे दिमाग में थोड़ी थी ये चीजें।
और थोड़ा मैं ये चीज मुझे लगती थी और डेफिनेटली मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं किया था बिकॉज एज यू नो कि मैं पुणे में रहती थी तो कैसा हमारा उधर का कल्चर है, तो अपने जो अपनी जो जहाँ पे हमारा होम टाउन होता है वहां पे बहुत ही ज्यादा लोग घुलते मिलते हैं, पर जैसे जैसे मुंबई पुणे वैसे सिटीज में आते हैं तो इतना लोग नहीं घुलते मिलते, तो आई वॉज लाइक फाइन विथ इट। बट हाँ ऑब्वियसली लोग बहुत डिफरेंट हैं, कल्चर बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बस मुझे ये नहीं पता था यहाँ जर्मन सीखने में इतना ज्यादा जर्मन की इम्पोर्टेंस है, और जर्मन आपको नहीं आएगी तो भाई कौन आपको बुलाएगा चाय पे, बिना जर्मन जाने आप क्या, और स्प्रेकेंजी डॉयच बोलोगे, स्प्रेकेंजी इंग्लिश बोलोगे, क्या बोलोगे। तो भाई मेरा यही था कि ज्यादा मैं एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आई थी, मैं नॉर्मल आई थी, लेकिन हाँ मुझे ये नहीं पता था जर्मन जानना इतना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। हाँ एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि दीपक के फ्रेंड्स, ऑब्वियसली दीपक था मतलब मेरा हस्बैंड था तो उसके कुछ फ्रेंड्स थे, तो मैंने सोचा था कि यार मैं जा रही हूँ तो कम से कम मुझे लोग इनवाइट करेंगे, लेकिन यहाँ आके मेरा सन्नाटा चालू हो गया, मतलब एकदम सोशल एनवायरनमेंट से एकदम बिल्कुल सन्नाटे वाला एनवायरनमेंट। बट ठीक है, वो एक दूसरा फेस था और आज एक दूसरा फेस है। चलो मैं तुमसे तीसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। मैंने ना कुछ वीडियोस बनाए थे कल्चरल शॉक के बारे में, जो बहुत भयंकर वाली कल्चरल शॉक है इंडिया वर्सेस जर्मनी, तुम ये बताओ ये सब चीज़ें तुम्हें पहले से पता थी? बिल्कुल ऑनेस्टली जवाब देना कि ये सब पता था तुम्हें। यार मुझे थोड़ा बहुत था कि मतलब हाँ यूरोप में लोग थोड़े खुले ज्यादा ही ओपन माइंडेड होते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब ये सब तो था, जैसे अपन सुनते ना यार रोड में शुरू हो जाएंगे कुछ भी करेंगे, ये तो था एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह सबने बोला था कि ऐसा करते हैं, ये सब दिमाग में था, पर इतना ज्यादा नहीं था। जैसे कि एक तुमको एग्जाम्पल दे, तुमने भी ये चीज फेस की होगी कि ऑफिस में ही जैसे हम इंडियंस का क्या है कि अगर हमको कोई काम पकड़ा दिया तो भाई हम जुगाड़ लगा के हमको आता है नहीं आता है हम रो के कुछ भी करके वो काम कर लेते हैं, बट यहाँ पे काम नहीं आता है दैट इज फाइन, साफ नो मीन्स नो एंड दैट इट्स ओके टू से नो। तो ये बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस था और हम मैं स्टिल अभी इससे कोप अप कर रही हूँ कि हमको हर टाइम अपने आप को सुपर हीरो बताने की जरूरत नहीं है। हमें सब आता है, मुझे ऐसा लगता है हम भगवान है, हमें सब आता है, पर यहाँ पर जैसा कावेरी ने बोला अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आता तो नो कहने में कौन सी बुराई है, और ये लोग ये बोलते हैं कि अगर तुम्हें नहीं आता तो नो बोलो, और अगर गलती से तुमने हाँ बोल दिया तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसको मतलब सब कुछ आता है, और हमारा हाँ मतलब कर लेंगे मतलब ठीक है ऐसा वाला हाँ है हमारा। सीरियसली दिस इज यू, मतलब जो तुमने एक्सपीरियंस शेयर किया मुझे लगता है कि हाँ ये वाला शायद हम सारे जितने भी इंडियंस हैं नो नहीं बोल पाते हैं हम लोग, किसी इवन जो ऑफिस वाला एनवायरनमेंट है उसमें तो बिल्कुल नो नहीं बोल पाते हैं, हमेशा हमारा एक हाथ जरूर उठता है हम बोलेंगे। एग्जैक्टली और हम पता है कई बार एक रॉन्ग इम्प्रेशन अपना क्रिएट कर देते हैं कि हमको सब कुछ आता है और उसके बाद हम खुद ही उस ट्रैप में फंस जाते हैं। कल्चरल डिफरेंस है और बहुत सारे कल्चरल डिफरेंस है, वीडियो हम पता है बात ही करते रह जाएंगे, ऐसे बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस फील आपको होंगे जब आप आओगे यहाँ पे, पर हमें पहले से नहीं पता था, मुझे तो नहीं पता था, आई एम श्योर मुझे भी नहीं पता था पर आप लोगों को पता चल गया अगर आप आने वाले हो तो। अच्छा ये बताओ सबसे बड़ी रियलिटी जो तुमने सोचा था कि यार ये कैसे हो गया, या जो तुमने सोचा ही नहीं था इंडिया से आने से पहले कि यार ये नहीं हो सकता, वो कौन सी चीज है? देखो मुझे एक चीज थोड़ा जो जैसा लगता है कि मतलब हाँ इसका सच में थोड़ा इम्पैक्ट है, वो मुझे इतना नहीं पता था, जैसे मैंने बोला कि जर्मन लैंग्वेज की इतनी वैल्यू है यहाँ पे, या आप कुछ जर्मन लैंग्वेज नहीं आपको आएगी तो आप थोड़ा सा लोगों से इंटरेक्ट करने में आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो ये चीज मुझे लगता है कि ये ही एक चीज है जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ एक कोप अप करने की जरूरत है, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आ गई तो आप काफी चीजें मैं बोलूंगी आपके लिए काफी चीजें आसान हो जाएंगी। और एक चीज और है जो मैं बोलूंगी कि तुम भी शायद मानती होगी कि जब आप इंडिया से आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि वाह बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, स्वर्ग जैसी जगह जा रहे हैं, बट डेफिनेटली जब आप कहीं कोई जगह छोड़ के जाते हो तो कुछ खोते हो तो कुछ पाते हो, इट्स नेवर परफेक्ट,
एनीवेयर ना हमारा कंट्री परफेक्ट है ना यहाँ पे ये जर्मनी परफेक्ट है. हर कंट्री के कुछ डाउन साइड्स हैं, हर कंट्री के में रहने के कुछ डाउन साइड्स हैं. तो ऑब्वियसली आप लोगों को अपने आप को उस हिसाब से कोप अप करना पड़ेगा कि भाई फोकस ऑन गुड थिंग्स, दैट्स इट. और इंडिया तो अपना है ही. एंड जर्मनी यार बहुत अलग है, मतलब इंडिया से. बाकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री थोड़ी सी सिमिलर है, बट जर्मनी बहुत डिफरेंट है. तो ऑफकोर्स चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तुमने क्या ऐसा सोचा था? क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था कि मैं जर्मनी जाऊंगी वीजा आने के बाद, घूमूंगी फिरूंगी ऐश करूंगी और क्या. तुमने भी ऐसा सोचा था क्या? मैं सच बोलूं, मैंने भी सोचा था कि जर्मनी आएंगे तो बस खूब घूमेंगे, जाके एफिल टावर देख रहे हैं, स्विट्जरलैंड एंजॉय कर रहे हैं. और मैं लिटरली बोलूं तो कुछ दिनों तक हुआ भी ऐसा, ठीक है, जब तक लॉकडाउन नहीं था. तो मैंने लिटरली काफी, जैसा कि आप जब जर्मनी में होते हो आपको एक वीजा के साथ आप ऑलमोस्ट 26 शेंगेन कंट्रीज आप कवर्स कर सकते हो. तो वो तो आपके वीजा में पावर होता है, ये जर्मन वीजा अगर आपके पास है तो. तो वो हुआ, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे तो उतना नहीं हुआ, ठीक है. खाएंगे पीएंगे तो भूल ही जाओ, राइट. यू विल क्रेव फॉर दैट पनीर टिक्का मसाला एंड बिरयानी. मैं पता है हांडी देखती हूँ ना लिटरली, तो मेरा मन करता है अभी से एयरपोर्ट पे मुझे क्या खाना है, मेन्यू में क्या करना है, सबका प्लान मेरा अभी से रेडी है. सीरियसली वही चीज है कि हर चीज परफेक्ट नहीं होती, और ऑब्वियसली आपको घूमने का तो ऑब्वियसली प्रिविलेज मिलेगा, बट ठीक है, खा पी के तो इंडिया से आओ और नाच गा के भी इंडिया से आओ, बिकॉज यू विल डेफिनेटली मिस दैट बॉलीवुड म्यूजिक इन द पब्स. यू आर डेफिनेटली गोना मिस इट. तो नाच गा के और खा के पी के आओ और घूम फिर यहाँ पे लो. सीरियसली नहीं, मैंने सोचा था कि यार ऐसा वो फिल्मों में नहीं होता ला 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 लाइफ विल बी लाइक दैट. लेकिन जब मैं यहाँ आई कि यार पैदल ही चल रहे हैं 3-3 घंटे तक, स्विट्जरलैंड हो चाहे कहीं हो पैदल ही चल रहे हैं और ख़त्म ही नहीं हो रहा, नेवर एंडिंग जर्नी. तो ऑफकोर्स उतनी एक्साइटिंग नहीं है जितनी वीडियो में दिखती है, पर स्टिल घूमना फिरना तो होता ही है यहाँ पर. चलो एक क्वेश्चन जो तुम्हारे कमेंट सेक्शन और मेरे कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा होता है, जॉब. ये बताओ जॉब मिलने में कितनी परेशान हुई? क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी मैंने सोचा था मुझे एक दिन में जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मैं कुछ रेफरेंस लेके आई थी एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. दीपक तुम देखना, मेरे हस्बैंड से मैं बोलती थी, तुम देखना मैं एक दिन में जॉब ढूंढ लूँगी. पर तुम बताओ, इट्स अ स्ट्रगल हियर टू फाइंड अ जॉब. तेल निकल गया तुम्हारा जॉब लेने में कि नहीं? यार मैं तुमको सच बोलूंगी, स्ट्रगल तो डेफिनेटली है, ठीक है. और जैसा तुमने बोला कि लोग बोलते हैं कि मेरा रेफरल लगा दो, तो भाई इतना नहीं है कि आप किसी का रेफरल लगा दो तो जैसे इंडिया में है तो उसको ऑब्वियसली प्रायोरिटी मिल जाती है, जॉब मिल जाती है. तो यहाँ पे इतना नहीं है, आपको डेफिनेटली स्ट्रगल करना पड़ेगा. और स्पेशली जब आपको जर्मन नहीं आती तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा. मैं बोलूंगी मेरा फिर भी मेरा जो केस था, जो मुझे मेरा जॉब मिलने का केस था, वॉज अ लकी केस कि मुझे 5 महीनों में जॉब मिल गई. लेकिन स्टिल मैं सच में जब मैं भी जब यहाँ पे आई हूँ तो आई वॉज लाइक 1-2 महीने तक मुझे तो लग रहा था कि अब मुझे मिलेगी ही नहीं जॉब, ठीक है. स्किल्स आर नॉट मैचिंग जर्मन लैंग्वेज, मुझे लगा अब तो नहीं मिलेगी. आई लिटरली मैं बोलूँ कि 1-2 महीना मैं सच बोलूँ मैंने ढंग से 2-3 महीना सिर्फ डिप्रेस्ड होकर ट्राई करना छोड़ दिया कि आई कांट डू इट. मेरी वो जो एक एनर्जी के साथ आप ट्राई करते हो, राइट, वो ही खत्म हो जाती है जब आपको 1-8 महीने में, जब आप जान रहे हो कि आप इंडिया में इतनी अच्छी जॉब कर रहे हो एंड यू हैव स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर अ मंथ एंड यू डोंट गेट दैट रिस्पांस ना, तो फिर अपने आप एनर्जी खत्म होने लग जाती है. तो ये चीज तो है. मैं इसीलिए बोलती हूँ सबको कि देखो, इफ यू आर नॉट हैविंग जॉब तो अप्लाई करने से तो आपको वैसे भी कुछ आपका जा नहीं रहा है, राइट. तो रादर देन गेटिंग डिप्रेस्ड कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, स्पेशली जो बंदियां अपने दो स्क्रॉलिंग वाइफ्स जो अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, तो मैं बोलूंगी देखो वो टाइम को एंजॉय करो, वो एक्सपीरियंस को एंजॉय करो. अभी मुझे जॉब मिल रही है ना, तो मैं सच में वो बोलती हूँ कि कितना वेला टाइम था, शायद और एंजॉय कर लिया होता. तो वो चीज को एंजॉय करो और अपने आप को डीमोटिवेट मत होने दो. किसी चीज में एंगेज कर लो, चाहे कोई कोर्स करो चाहे कुछ करो, पर डीमोटिवेट मत हो. बिकॉज मैंने भी सुना है कि लोगों को 1-2-3 साल C1 C2 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज सीखने के बाद जॉब मिली. मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे तो लॉकडाउन आ गया इस वजह से थोड़ा इशू हुआ, बट मुझे लोगों ने ये बोल दिया था कि हमारी इंडस्ट्री में, मैं आई बिलोंग टू सम अदर इंडस्ट्री, जर्मनी में जॉब मिलती ही नहीं है. मैंने बोला कैसे नहीं मिलती, मैं ढूंढ के दिखाऊंगी ऐसे कैसे नहीं मिलती. बट एक्चुअली पता है
देयर आर सम एग्जाम्पल्स जो 2-3 साल से C1 लेवल करके भी, आई डोंट नो वॉट इज द प्रॉब्लम, मे बी शायद वो भी डीमोटिवेट होके ट्राई करना छोड़ दिया होगा, जो भी होगा. बट जैसा तुमने एक दो वीडियोज में बताया जॉब रिलेटेड कि कुछ प्रोसीजर होता है, 3 महीने में तो हम ही समझ पाए थे वो प्रोसीजर क्या है, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया एंड देन फिर हमें मिली जॉब. मतलब तुम्हें भी उसी हिसाब से मिली होगी, तुमने जब प्रोसीजर समझा होगा. बट डेफिनेटली जॉब मिलना कुछ केसेस में इजी होता है, जैसे कावेरी को 5 मंथ्स में मिल गई, पर कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आती है. तो वो स्पाउस जो ये सोच के आ रहे हैं कि यार मिल जाएगी, मेरे जैसे ओवर कॉन्फिडेंट डेंट लोग, तो प्लीज ऐसा मत सोचना, क्योंकि इट्स नॉट इजी यार. हमें रियलिटी बतानी चाहिए यार, क्योंकि सब लोग बोलते हैं जॉब्स इन जर्मनी, इतनी जॉब्स हैं, पर रियलिटी कुछ और ही है यार. जब यहाँ पर आते हैं तो वो चीज़ की पता चलती है कि यार इट्स नॉट इजी बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. वो भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल एंड पेशेंस इज द की. पेशेंस इज द की, दैट्स इट. ओके चलो लास्ट क्वेश्चन. तुमने जो डिसीजन लिया यहाँ आने का, वो तुम्हें लगा कि वैल्यू है उसका, मतलब दैट डिसीजन यू मेड कि यहाँ आ गए? क्योंकि अब हमने बहुत सारी चीज़ें बात करी, ये समझ लो जर्मनी के बारे में चुगली करी हमने तो तुम्हें लगता है कि जो तुमने डिसीजन लिया था यहाँ आने का, दैट्स वर्थ इट? मतलब हाँ, तुम सोचती हो या दैट्स वर्थ इट, बताओ. या मैं अगर मैं बोलूंगी तो मुझे लगता है इट्स डेफिनेटली वर्थ इट, बिकॉज जब आप अपने कंट्री को छोड़ के आते हो राइट, तो सच में आप अपने घर को छोड़ के आते हो और एक नई दुनिया में आते हो, इतनी सारी चीज़ें. और मैं एज अ खुद को बोलूंगी कि मेरे एज अ पर्सन भी मैंने ग्रो किया है. जब मैं यहाँ पे आई हूँ, इतने सारे कल्चर्स के लोगों के साथ से मैं मिली हूँ, ऑफिस में मैंने काम किया इतने सारे लोगों के साथ, जो मेरे जैसे मैंने बताया कि मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि ये लोग या जो अपने टिपिकल अंग्रेज जो होते हैं, ठीक है, हर गोरा अपने लिए अंग्रेज है राइट, तो सही सही वो कोई सुपीरियर होता है, ये बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, ये हमसे डिफरेंट होता है. तो वो चीजें मेरे दिमाग से निकली और अभी भी धीरे धीरे जाएंगे, टाइम लगेगा उस चीज को जाने में. तो एज अ पर्सन मुझे लगा है कि मैं धीरे धीरे ग्रो कर रही हूँ यहाँ पे आने से, और एक नई लाइफ स्टाइल आपको जीने को मिली, और एक आपका सोच का नजर है. इनफैक्ट तुम ये देख लो सुरभि की, तुम कुछ कोई ऐसा कल्चर है इन लोगों का जो कि हम पहले सोचते थे, जैसे कि यहाँ पे एक कल्चर है कि आप 16 साल के बाद आप मूव कर जाते हो बाहर, या फिर यू डोंट नीड टू गेट मैरिड टू स्टार्ट अ फैमिली, ठीक है, यहाँ पे राइट राइट. हम अगर रहेंगे तो हमारा क्या है, उसको बहुत बुरी तरह से देखते हैं राइट, एक बुरी नजर से देखते हैं. या इवन हम भी देखेंगे, आज हम इतनी बातें कर लेते हैं पर हम भी गलत ही समझते हैं उसको. अगर कोई मतलब विदाउट मैरिड, किसी की शादी नहीं हुई है और उसका बच्चा है, तो हम भी उसे गलत नजरे से ही देखेंगे कि यार ऐसे कैसे हो गया है ना. एग्जैक्टली मैं वही बोल रही हूँ कि एक चीज को आप गलत नजरिए से देखते हैं बिकॉज आपको बचपन से वो चीजें सिखाई जाती है या वैसे ही आपका सोशल अपब्रिंगिंग है. पर जब आप कहीं बाहर जाते हो और अलग अलग चीजों को, अलग लोगों को, अलग कल्चर को देखते हो ना, तो आपका नजरिया बदलता है उन चीजों को, आप थोड़े ब्रॉड माइंडेड होते हो. तो मैं बोलूंगी कि इट्स अ ग्रेट वे टू डेवलप योर पर्सनालिटी, टू डेवलप योर थॉट्स, और डेफिनेटली टू सी द होल वर्ल्ड. तो आपको ये मौका तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा इंडिया में, और इंडिया तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपना देश है, अपना घर है, जब चाहोगे तब वापस चले आओगे. पर लाइफ को एक बार जी लेना चाहिए, हर चीज का, हर डिश का टेस्ट लेना चाहिए. वैसे ही आप जर्मनी का या किसी और कंट्री का भी टेस्ट ले लो, तो जो मन करे वो करो. एक्चुअली यार कावेरी ने बहुत सही बात करी कि ग्रो, मतलब एक जो बोलते हैं ना कि आपको, मेरी जिंदगी बहुत कांस्टेंट हो गई थी इंडिया में, और यहाँ आके फिर से वो एक पुश मिलता है ना कि आप और काम करो, वो पुश मिला एंड देन हाँ अब लाइफ अच्छी है. आई गेस तुम्हारी भी अब बहुत स्टेबिलिटी आ गई है. कितना टाइम हो गया तुम्हें यहाँ आए हुए? मुझे अराउंड 2 साल हो गए. हाँ, और मुझे 2.5 years लगभग. तो हम दोनों को देख लो आप, हमने 2 years एंड 2.5 years में हमारा जो इम्प्रेशन है जर्मनी के लिए वो ऐसा है. एंड कावेरी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, कुछ ऑफकोर्स ऐसी बातें जो आपको सोचने में मजबूर करेगा, कुछ ऐसी बातें जो ऑब्वियसली आपको लगेगा हाँ यार ये सही बोल रही है.
पर जैसा भी है आप लोग जरूर कमेंट करना आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, कावेरी की कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी और मेरी कौन सी बातें सबसे अच्छी। वैसे मैंने ज्यादा बात नहीं करी, इसके चैनल पे एक वीडियो है उस पर मैंने ज्यादा बात करी है। आज कावेरी ने ही जो है वो पूरा ऑडियंस जो है उसकी तरफ एंगेज कर लिया, बट सो के इसकी सबसे अच्छी बात कौन सी लगी वो जरूर बताना और इसका चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बस और क्या, रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन हो गई, हमारी चिट चैट खत्म हो गई और हम मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बाय गाइस, कि मेरे को मिल नहीं रहा, रुको। ओके।